सुप्रभात सभी मित्रों को। कहते हैं कर्मण्येवा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो कर्म के हिस्से पे जो हमारा अधिकार बनता है, उस कर्म की श्रृंखला में आज हम खड़े हुए हैं। इंद्रजीत मौर्या, गांव खेतासराय। दादा आपका नाम? राम प्रकाश मौर्या, गांव खेतासराय। और इस गांव में एक मैं आपको पहले अद्भुत बात बताऊं कि इकलौता गांव हमारी जानकारी में अभी तक ऐसा है जो सघन फसल चक्रों का अपने आप में बादशाह है कि यहां पे मौके पे घुइया नीचे बोई जा चुकी है, ऊपर लहसुन लगा हुआ है। तो ऐसी सघन फसल चक्र को करने के लिए मेरी जानकारी में सबसे बेहतरीन गाँव है। खैर, आज हम जिस पर बात करेंगे वो बात करेंगे टमाटर की फसल में प्रोटेक्ट 927 जो संचय एग्रो इनपुट लिमिटेड का एक ऑर्गेनिक फंजीसाइड है। इस पे हम बात करेंगे अपने किसान से कि इनको अभी तक इसके क्या परिणाम मिले हुए हैं, कैसा है इनका टमाटर। तो इंद्रजीत जी, ये आपने प्रोटेक्ट 927 कब डाला? अरे 20 दिन हुआ लगभग। अभी तक आपने इस टमाटर में कई बार डाल चुके होंगे? दो बार आपने प्रोटेक्ट 927 डाला है। जरा पेड़ को देखते हैं, आप पेड़ उठाइए, जरा देखें। आपकी निगाह में पेड़ पूरी तरह स्वस्थ हैं? जी, पत्ती कल्ले सब स्वस्थ हैं। जैसा कि हमारे किसान बता रहे हैं और आप वीडियो में भी देख रहे हैं कि एक स्वस्थ फसल और जो फ्लावर्स आ रहे हैं वो भी बढ़िया, कहीं पे कोई ऐसी झड़ने की समस्या नहीं है, कोई रोग नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और दो बार इसमें प्रोटेक्ट 927 का प्रयोग हो चुका है। जैसा कि हम सभी का मानना है, हमारे जो कंपनीज़ के लोग हैं या हमारा मानना है कि प्रोटेक्ट 927 से ना सिर्फ लगी हुई रोग खत्म होगी बल्कि रोग नहीं आएगी। इस सिलसिले में इसमें अगर हम देखें तो सघन फसल चक्र में इसके बीच में एक देखिए सोया की फसल की क्रॉप है जिसका आप साग खाते हैं, वो भी काफ़ी बढ़िया, अच्छी ग्रीनरी, अच्छी फसल। तो पूरा उद्देश्य इस बात पे है कि हम रोग आने ही ना दें, रोग आने ही ना दें, हम उस सिलसिले में हम लोग काम कर रहे हैं। तो इस टमाटर की फसल को आप देख रहे हैं, जैसा कि पहले की फ़ोटो मैंने डाली हुई थी, दोबारा मैं आपको फिर ज्वाइंट करके डालूँगा ये। और एक बढ़िया टमाटर। तो आपके जो भी शुभचिंतक या जानकार अगर खेती करते हैं, आप भी अगर ऐसी कुछ खेती करते हैं, तो ना सिर्फ ये वेजिटेबल में काम करेगा बल्कि जो भी फील्ड की क्रॉप्स हैं, वो धान है, गेहूं है, गन्ना है, मटर है, टमाटर है, उन सारी चीज़ों में इस दवा का प्रयोग आप कर सकते हैं। इस दवा के साथ साथ जो भी अन्य हमारी दवाएँ हैं वो सारी ऑर्गेनिक हैं और सारी बिना किसी तरीके से मृदा को नुकसान किए, बिना किसी तरीके से स्वास्थ्य मनुष्य के स्वास्थ्य को नुकसान किए या उस स्वयं के वृक्ष के स्वास्थ्य को नुकसान किए हुए ये एक बढ़िया पैदावार देने में सक्षम है। तो आपसे निवेदन है कि आप सहयोग करें, सानिध्य दें अपना और एक जो भी हम कर सकते हैं बेहतर इस धरती के लिए, इस मानव समुदाय के लिए, स्वास्थ्य के लिए, उसमें आपका सहयोग नितांत अपेक्षित और आवश्यक है। धन्यवाद आपका।